पोस्टर से सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की तस्वीर गायब। चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च को देश के सभी राज्यों में होने वाले चुनावों की घोषणा कर दी गई। बालाघाट में बदला मौसम, जिले में शाम को हुई तेज बारिश। बालाघाट की पार्षद भारती पारधी को बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। इस मौके पर 16 मार्च को स्वागत और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन नगरपालिका सभागार में होना है। इस कार्यक्रम के लिए तैयार किए गए पोस्टर में वर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन की फोटो नहीं है। यही पोस्टर भारती ठाकुर के सोशल मीडिया पर भी शेयर किया था। इस पर सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने कमेंट करते हुए लिखा कि मेरा तो अभी से फोटो ही गायब कर दिया और कल आने की बात कर रहे थे। इसके बाद यह माना जा रहा है कि भाजपा में प्रत्याशी घोषणा के बाद सब कुछ ठीक नहीं है। देश की सरकार चुनने का बिगुल बज गया है। चुनाव आयोग द्वारा 16 मार्च को देश के सभी राज्यों में होने वाले चुनावों की घोषणा कर दी है। 7 चरणों में होने वाले देश के लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में प्रदेश की 6 संसदीय सीटों में शामिल बालाघाट में प्रथम चरण में चुनाव कराए जाएंगे। इसमें 20 मार्च से नामांकन फॉर्म जमा करने की अधिसूचना जारी की जाएगी। विभिन्न दलों के प्रत्याशी 27 मार्च तक अपना नामांकन जमा कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च और 30 मार्च तक प्रत्याशी नामांकन वापस ले सकेंगे। इसके बाद प्रत्याशियों को प्रतीक चिन्ह का आवंटन कर दिया जाएगा और शुरू हो जाएगा चुनावी प्रचार का शोरगुल। बालाघाट जिले में शनिवार शाम को एकाएक मौसम में परिवर्तन देखने को मिला। क्षेत्र में तेज बारिश और बूंदाबांदी हुई। आसमान में काले बादल से छाए रहे और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। बालाघाट और लालबर्रा क्षेत्र में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे।